हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि बालों में मेहंदी हम लोग कैसे लगा सकते हैं आसानी से, जहाँ ना हमारे हाथ में मेहंदी लगेगी, ना हमारे कपड़ों में, और ना हमें क्लच यूज करनी होगी। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो वेलकम टू माय चैनल, और मैं हूँ स्नेहा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है काला कोला का मेथी पाउडर। इसको हम मेहंदी में मिक्स करके अपने बालों में अप्लाई करेंगे। इससे हमारा हेयर सॉफ्ट एंड शाइनी होगा, प्लस हमारे हेयर फॉल भी कंट्रोल होंगे। और फिर मैंने यहाँ पे लिया है 10 रुपीज़ का नूपुर हिना, और इसको भी हम मेहंदी में मिक्स करके अपने बालों में अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है नीसा मेहंदी, और इसको भी मिक्स करके करेंगे। इससे हमारा हेयर जो है वो नेचुरल ब्राउन शाइन प्रोवाइड करेगा। तो चलिए अब हम मेहंदी को घोलते हैं। तो मैंने मेहंदी घोलने के लिए यहाँ पे लिया है एक प्लास्टिक का बाउल, और मेहंदी को मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक ब्रश। और अब हम सारे मेहंदी को कट करके इस बाउल के अंदर डाल देंगे। मैंने मेहंदी के लिए यहाँ पे लिया है नीसा मेहंदी, नूपुर मेहंदी और एक मेथी पाउडर। तो सारे पाउडर को हम इसमें ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सारे पाउडर को कट करके बाउल के अंदर डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए हमें चाहिए होगी पानी। तो यहाँ पे मैं पानी ऐड कर रही हूँ, नॉर्मल पानी है, और हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा ऐड कर दिया तो हमें जिस तरीके से मैं आप लोगों को दिखाऊँगी मेहंदी लगाने का, वो तरीके से आप लोग नहीं लगा पाएंगे। तो इसके लिए हमें मेहंदी में थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करनी होगी, और ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी और मिक्स करते जाएंगे इसको। तो यहाँ पे और पानी लगेगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और पानी ऐड कर रही हूँ। अगर हमने पूरा पतला बैटर बना दिया तो हमारे हेयर में लगाने के लिए हमें बहुत ही दिक्कत होगी। ये चू चू के हमारे कपड़ों में भी गिरेगी और लगाने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, हम आसानी से नहीं लगा पाएंगे। तो इसका बैटर जो है हमें थिक रखनी है, ज़्यादा मोटा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं, मीडियम में। आप लोगों को दिखाऊंगी घोल के कि कैसे रखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा बैटर रेडी है। और फ्रेंड्स, इसमें जो है लम्स नहीं रहनी चाहिए, लम्स रही तो हम मेहंदी अच्छे से हेयर में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और थोड़ा पानी और लगेगा। तो मैंने इसमें थोड़ा और पानी ऐड किया है, और इतना पानी काफ़ी है, अब हमें और ऐड नहीं करनी होगी। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो जब भी आप मेहंदी को घोले तो उसमें जो भी लम्स है उसको रिमूव करें। तो घोल के मैं इसको 30 मिनट के लिए रख दूँगी। तो 30 मिनट हो चुके हैं, अब ये रेडी है हमारे बालों में अप्लाई होने के लिए। तो यहाँ पे यही हेयर है जिसमें मैं ये मेहंदी को अप्लाई करने वाली हूँ। देख सकते हो कितनी डैमेज्ड हेयर है, और इसमें मैं कैसे मेहंदी अप्लाई करूँगी, किस तरीके से अप्लाई करूँगी, आप मेरी ये वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको समझ आएगा कि मैंने कैसे मेहंदी को अप्लाई किया है। तो मैं पहले हेयर के सारे ट्रायंगल्स को रिमूव करके हेयर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, ताकि ईजी रहे हेयर में मेहंदी अप्लाई करने के लिए। और आगे के जो बाल है उसको अभी मैं एक जैक पिन की मदद से सिक्योर कर रही हूँ, ताकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो पीछे मेहंदी लगाने में। तो आप यहाँ देख सकते हो मैं राउंड वे में बालों को निकालूंगी और पहले ट्रायंगल्स रिमूव कर लूँगी, उसके बाद मेहंदी को मैं अप्लाई करूँगी हल्के हल्के राउंड राउंड करके। तो आप देख सकते हो रूट से ही हम मेहंदी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेहंदी में उतना ज़्यादा केमिकल नहीं होता है जो हमारे हेयर में प्रॉब्लम दे। कलर्स को हम रूट से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ज़रूर ध्यान दीजिएगा कलर लगाते टाइम, बट मेहंदी को हम रूट से अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही करके मेहंदी को अप्लाई करने के बाद हम लोग चारों तरफ से लेते जाएंगे थोड़ा थोड़ा हेयर, और उसको राउंड राउंड करके वही मेहंदी जहाँ पे फर्स्ट में हमने अप्लाई किए हैं उसी के राउंड राउंड हम लोगों को मेहंदी लगानी है हेयर में। इससे क्या होता है ना, हमारे हाथ गंदे होंगे, ना हमारे हाथ में मेहंदी लगेगी, ना हमारे कपड़े में मेहंदी की फॉल आउट होगी,
बहुत ही अच्छे से तरीके से पूरे बाल में मेहंदी लग जाती है ऐसे, बहुत ही अच्छा है। बस इसमें कुछ टाइम हमारा ले लेता है लगाते टाइम, इसमें खुद से नहीं लगा सकते, हमें किसी की ज़रूरत होती है तभी हम ये इस टाइप से मेहंदी लगा सकते हैं। अकेले हो तो इस तरीके से हम लोग मेहंदी नहीं लगा पाएंगे। तो रूट से ही मैं मेहंदी लगा रही हूँ और इसको ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते और राउंड राउंड करते इसको सेट कर रही हूँ मेहंदी से ही। इस तरीके से लगाने से क्या होती है, हमारी जो रूट है उसमें भी मेहंदी लग गई और साथ में सारे हेयर में मेहंदी लग जाती है और हमें कोई क्लच यूज़ नहीं करनी होती है इन मेहंदी वाले बालों को सेट करने के लिए और ना टच करनी पड़ती है। बस धोते टाइम कुछ ज़्यादा वाटर लग जाएगा, ज़्यादा दिक्कत होगी निकालते टाइम, बट ऐसे बहुत ही अच्छा होता है। बट इसमें एक्सपेंडिचर भी बहुत हो जाएगी आपको क्योंकि ज़्यादा मेहंदी लगती है। तो यहाँ पे मेरे सारे स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा करके इस पर अपना हाथ चला रही है और वो अप्लाई कर रही है इसमें। तो अगर हम लोग राइट साइड से बाल ले रहे हैं और मेहंदी अप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करेंगे, और अगर हम लोग लेफ़्ट साइड से बाल ले रहे हैं तो उसको हम लोग राइट साइड से ट्विस्ट करेंगे। ऐसे क्या होगा कि मेहंदी भी होल्ड हो जाएगी और बाल भी होल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे सब खत्म हो चुकी है, अब आगे से हम लोग कर रहे हैं, आगे से भी सेम प्रोसेस में कर रहे हैं। इससे क्या होता है मतलब दिक्कत नहीं होती है, आगे के बाल भी पीछे सेट हो जाती है और हमें ना हाथ यूज करनी पड़ती है पोंछने के लिए या सेट करने के लिए। बहुत ही अच्छे से आगे के बाल को भी हम लोग ऐसे ही करके मेहंदी अप्लाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो मेहंदी पूरी लग चुकी है, ना गले में लगी ना फेस में लगा ना कहीं, बहुत ही अच्छे से मेहंदी लग चुकी है। अब इसको हम लोग सूखने के लिए छोड़ देंगे, सूखने के बाद हम लोग इसको वॉश कर लेंगे। 30 मिनट हो चुके हैं, अब हम लोग इसको वॉश कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने नॉर्मल पानी से हेयर को धो दिया है और इसको मैंने टावल से पूरी तरीके से पोंछ लिया है, इसमें से पानी नहीं चू रहा। तो हम इसमें ड्रायर भी यूज़ नहीं कर सकते, एयर ड्राई होने के लिए मैं ये बाल को छोड़ रही हूँ। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को कर देना बहुत सारे लाइक, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय, कीप लविंग।